हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडा मैगी। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये दो तीन कलियां हमने लहसुन की कट करके रख ली हुई है, और ये बारीक बारीक हरी मिर्ची है, इसको भी कट कर लिया हुआ है, और ये हमारे एक कटोरी के आसपास हरे मटर हैं, इसको हमने अच्छे से धो लिया हुआ, और ये हमारा प्याज है जिसको हमने कट कर लिया बारीक बारीक, और ये एक टमाटर के आसपास, इसको भी हमने पहले ही सब कुछ कट करके रखा हुआ है। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया हुआ, जो हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। ये दो से तीन कलियाँ, ये हम सबसे पहले लहसुन डालेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने प्याज काट के रखा है, प्याज डालेंगे, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे। टमाटर पकाने के लिए हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम दो तीन बार डालेंगे बीच बीच में, तो हम टमाटर पकाने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें जो हमारी कटी हुई हरी मिर्ची थी वो भी इसमें डाल देंगे। दो से तीन मिनट तक हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसमें ये मटर डाल देंगे, मटर को भी हम दो तीन मिनट तक इसको ढक्कन लगा के अच्छे से पका लेंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ा। थोड़ी सी पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं। ये हमने दो पैकेट मैगी की ले ली है, एक पैकेट को हम इसका चूरा कर देंगे, पैकेट के अंदर ही बिल्कुल। इसे करके हम इसका चूरा कर लेंगे, और एक पैकेट को हम बिल्कुल ही साबुत रहने देंगे। ये हमारा मैगी मसाला है, दो पैकेट में दो ही छोटे पैकेट मसाले निकलेंगे। अब हम अपना मटर चेक करेंगे, एक बड़ा चम्मच हम टमाटो सॉस ले लेंगे, वो भी इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी करेंगे। अब जो पैकेट हमने मैगी का जो हमने चूरा करके लिया था, उसको अच्छे से हम इसमें फ्राई करेंगे। एक से दो मिनट हम इसको गैस के ऊपर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें दो कप के आसपास पानी डाल देंगे। और जो हमारा एक पैकेट मैगी का बचा हुआ है वो भी इसमें डाल देंगे। जो हमारे दो पैकेट जो मैगी मसाला था वो भी कट करके हम इसमें डाल देंगे।
ये ऊपर से हम ये मैगी मसाला डाल देंगे इसमें। अब हम इस मैगी को 70% के आसपास इसको हम पकने देंगे। इसमें ढक्कन लगा के रख देंगे। ये हमने दो अंडे लिए हैं, इनको हम कटोरी में ही फोड़ेंगे एक एक करके अलग से। हमने डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं फोड़ना है इनको। ये देखिए, एक हमने फोड़ दिया है, दूसरा भी हम फोड़ेंगे। ये हमने दो अंडे फोड़ के रख दिए। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। पहले हम सबसे पहले देखेंगे हमारी मैगी कितनी हुई है। 70% के आसपास अगर हमारी पक चुकी है, थोड़ा सा उसमें पानी रहेगा, तो हमने इसमें जगह बना के ये अंडे डालने हैं। अब हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारी मैगी 70% के आसपास पक चुकी है। ये अब हम इसमें अंडा डालेंगे अलग अलग जगह में। कुछ इधर डालूंगी, कुछ इधर। अब हम ये अंडा डाल देंगे अलग अलग जगह में। थोड़ा सा हम इसमें नमक और लाल मिर्ची डालेंगे ऊपर से। थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए हम ये लाल मिर्ची डाल रहे हैं। और ये ऊपर से हम ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची डाल रहे हैं। बीच में थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्ची पड़ गई, इसको हम हिला लेंगे। आप चाहें तो तीन अंडे चार अंडे भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें दो अंडे डाले हैं, एक अंडा मैं अभी और डालना चाह रही हूँ इसमें। एक अंडा मैंने इधर डाला है। अगर आप थोड़ा कच्चा खाना चाहेंगे तो इसको एक या दो मिनट तक उबालें, लेकिन मैं इसको ज़्यादा पका हुआ खाना चाहती हूँ, तो मैं 5 मिनट तक इसमें ढक्कन लगा के रखूँगी। ये देखिए, ये हमारा पक चुका है। मैगी अंडा, अब हम इसको प्लेट में डाल के दिखाएंगे आपको। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। ये देखिए, ये हमारा पक चुका है।